प्यारी रोहिणी जी, आप उचित रूप से कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं हर रोज़ आपको एक पत्र लिखता हूँ, लेकिन उसे दे पाने का साहस नहीं जुटा पाता। मैं जानता हूँ मेरी जाति बहुत छोटी है और उससे भी छोटा है मेरा व्यक्तित्व, लेकिन एक बात जो सत्य है वो ये कि आप मेरे सपनों की परी हैं। एक सितारे सा चमकता कोई रात का तारा, मेरे हाथ जैसे सारा आसमान लगा हो। आप जगमगाते जुगनुओं का चमकता एक शहर, मैं मेरे ही अंदर कैद जैसे कोई वीरान जगह हो। राम चला गया। जाओ। पकड़ो ना, पकड़ो। एक मिनट रुकना। ये रह गया था। हमको सब समझता है, इतनी देर से खाली पिए जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। कोई दिक्कत है का? नहीं। बताओ। हमको ये नौकरी नहीं करनी है, दूसरी नौकरी करनी है। बहुत अपमानजनक काम है ये। कचरा फेंकने वालों को भी कचरा ही समझते हैं, पलट के एक नजर देखते भी नहीं है। और हमको पता है तुम क्या बोल रहे हो। हमको सब समझता है क्या? तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी। अरे नहीं विकास, हम लोग साफ सफाई का काम करते हैं, हम लोग बेस्ट काम करते हैं, हम लोग को ज्यादा इज्जत मिलना चाहिए। चलो भैया तुम सही कह रहे हो, पर अभी चलते हैं, बहुत हो गई आज की, बहुत हो गई। अपना अपना सामान उठाओ। सामान गए, खाली बोतल लेके जाओ, ये खाली लेके जाओ, ये पी लो, ये लेके चलता है। देखो कौन और के साथ घूम रही है। अबे तुम्हारे सपने कौन और है पूरा कर रहा है? साला ये हरामी के जब भी हम देखते हैं ना, हमारा खून खौल जाता है। पर ये है कौन? पर ये है कौन? साथ में रहता है लगता है,
कभी कभी ये भी दरवाजा खोलता है। हमको तो मुंह से ही हरामी लगता है जो भी है। खैर छोड़ो, हम अपने विंग में जा रहे हैं, तुम भी होके आओ, फिर यही मिलते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो सुनो, क्या हुआ फेंके? अरे कितने बार खटखटाए, कोई खोला ही नहीं। क्यों नहीं खोला? हमको क्या पता। एक बात बताएं, हम गेट के पास जाके कान लगाए तो हमको आ वाली आवाज आ रही थी। सच में आवाज आ रही थी, सुना बता दिया, दूसरी बिल्डिंग में जा। और अपना तुम ये खुद ही देना जो भी तुमने पाला। चलो यही मिलेंगे, मौका मिले तो आज हाथ में दे ही देना। क्या दे देना? चिट्ठी दे देना, और क्या दे दोगे? तो तुम पूरा एक बार में नहीं बोल सकता है? चिट्ठी दे देना मौका मिले तो, ठीक है? चलो अभी। कितने लोगों के साथ होगी तुम? संभाल संभाल के बात कर। क्यों मार रहे हो? हाँ जब तक काबू में रखो मैं बता रही हूँ। कितनी बार समझाओ, मैं तेरे ऑफिस के कलीग है, उसके साथ काम करती हूँ। ग्रुप में हमें क्या करना पड़ता है, बॉस ने हमें क्या की कंप्लीट करने को दिया। मैं ना तुम्हें सारे मैसेज देता, मैं फोन से चेक करती हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे मैसेज देखूं गंदे गंदे? क्या हो गया? वो अपने घर चली गई और अब कभी वापस नहीं आएगी, तो अपने काम से काम रख। चल